नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्वागत हूँ आपको चैनल के नाते पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में। है बेबी डोज की बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आई है चार पर, साथ ही में बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर बहुत अच्छी अपडेट है और भी उस लिस्टिंग को लेकर के। और साथ में बाइनेंस लिस्टिंग कब तक हो सकती है, क्या जनवरी में हम लोग को लिस्टिंग मिल सकती है, फिर इसी साल इस कॉइन की हम लोग को लिस्टिंग बाइनेंस में हो सकती है फिर नहीं हो सकती है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में तो बने बिना स्किप कर ऐसे अपडेट इस कॉइन को लेकर के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हम सब कॉलो समझ सके। अगर जहाँ पर चाहे सब्सक्राइब कर लो, बैंकर पर सेट कर ले ताकि बाइनेंस या फिर बेबी डोज कॉइन की जितनी भी यहाँ पे अपडेट आएगी, लिस्टिंग चाहे बढ़नी या फिर किसी भी चीज को लेकर के, वो हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग बेबी डोज कॉइन का प्राइस देख सकते हैं 0.000009 का अभी बेबी डोज का हम लोग को प्राइस चलते हुए नजर आया। आज के रेट में 1.03% की पंपिंग इस कॉइन ने हम लोग को दिखा दी है। वह कॉइन मार्केट कैप एक बहुत अच्छा खासा इसका रैंक भी है, 234 नंबर रैंक पे आता है। साथ ही में 366,104 लोगों की वॉचलिस्ट भी इस कॉइन ने क्रिएट कर दी है। अगर बात करें इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम की, पूरे 24 घंटे के अंदर में इस कॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हम लोग 23% डाउन में जाते हुए नजर आएंगे। ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी तो कोई फिलहाल पंपिंग बड़ी हम लोग को नहीं मिली है। आजकल चार पैटर्न भी देख सकते हैं, लगातार एक नीचे ही आते जा रहे हैं। एक नबी एक रिकवरी के मोड में ये कॉइन हम लोग को नजर आ रहा है, इनकी सुबह से डाउन आ रहा था लेकिन फिर अभी एक रिकवरी के मोड में कॉइन नजर आ रहा है। रिकवरी अच्छा खासा कॉइन ने रिकवर भी कर लिया अपना, आज का जितना भी नीचे तक गया था वहाँ से कॉइन थोड़ा बहुत रिकवर भी कर लिया। हो सकता है कि आने समय में आज के डेट में अच्छा खासा पंपिंग कॉइन दिखा सके। आप लोग सेवन डे का चार्ट भी देख सकते हैं, हम लोग कुछ का सेवन डे का जो चार्ट है वो आपको जिस तरीके से देखने को मिला है कि आप ओपो होते होते बहुत ज़्यादा डाउन में ही अभी कौन चल रहा है अपने सेवन डे के, इनके वन वीक के लो पे अभी हम लोग को एक कौन बेबी डोज कॉइन चलते हुए नजर आ रहा है। अगर बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की, तो हम लोग के कुछ लेटेस्ट कमेंट आई है बेबी डोज लॉक इन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में बेबी डोज लॉक हो चुका है। तब मैं इसके बारे में हम लोग पहले बात कर ही लिया था। आगे बढ़ते बेबी डोज पैरिस सेवेंटी एट इज लायर एंड फैक्ट मैनिपुलेटर, यानी यहाँ पर कहीं कहीं बेबी डोज पैरिस सेवेंटी एट यहाँ पर एक तरीका मैनिपुलेटर है बेबी डोज कॉइन के प्राइस का। साथ में आगे बढ़ते हैं बेबी डोज सीम्स लाइक पेयर्स इज प्रीटी स्पॉट ऑन, यानी कहा जाने मतलब कि बेबी डोज कॉइन हम लोग को बहुत जल्द बाइनेंस पे होते हुए नजर आए। यहाँ पर टायर क्लासिक का स्क्रीन शॉट है, बाकी उन्होंने ये भी कहा कि बेबी डोज कॉइन का जो पेयर है यूएसडीटी में हम लोग को बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बाइनेंस पे। और कुछ कमेंट्स की अगर एक दो और कमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक हम लोग और कमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया था, जस्ट इन बेबी डोज इज नॉमिनेटेड एज वन टॉप मीम टोकन विद हाईएस्ट सोशल एंगेजमेंट क्वैक इज टू, एंड रिच क्वैक ने ऑफिशियली यहाँ पे कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टॉप में उनके सोशल एंगेजमेंट्स है उसमें से लास्ट पिछले 24 घंटे के अंदर में बेबी डोज कॉइन नंबर वन पर चल रहा है और सेकंड में रिच क्वैक, यानी कि उन्होंने अपने रिच क्वैक का प्रमोशन करने के लिए कमेंट किया। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग को बेबी डोज कॉइन नंबर वन पर मिल रहा है और ये जो रिच क्वैक बहुत अच्छा कॉइन है ये यहाँ पे हम लोग को सेकंड नंबर पर होते हुए नजर आ रहा है। और बेबी डोज की जो सोशल एंगेजमेंट है यहाँ पे अभी हम लोग को देखने को मिल सकता है 7.45 मिलियन की है, और यहाँ पे रिचक्वा की जो इतनी ज्यादा कम नहीं है लेकिन 7 मिलियन की सोशल एंगेजमेंट हम लोग को रिचक्वा की मिलती है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी कुछ अपडेट्स की जो न्यूज निकल के आ रही है बेबी डोज कॉइन को लेकर के। तो सबसे पहले बात की यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेबी डोज कॉइन बहुत जल्द एक अपने इनके 2000 को डिलीट करने वाले किल करना, उन्होंने क्या पे कमेंट किया था यहाँ पे, इफ़ यू वॉन्ट बेबी डोज टू डिलीट 0 मंथ, यानी कि अगले महीने क्या ये बेबी डोज कॉइन 1-0 किल कर सकता है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग क्या क्या लगता है कि बेबी डोज कॉइन 2-4-0-1-0 कितने किल 0 किल करेगा अगले महीने या फिर नहीं करेगा। चलिए अगर बात करते हैं हॉट बी एस सी कॉन्स ऑन वेल्स वॉच, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े वेल्स है वो यहाँ पे इसको वॉच करें। वेल्स से आप लोग का ये मतलब कि अगर आप लोग को वेल्स का मतलब नहीं पता तो मैं आप लोग को बता दूँ, वेल वो होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में एक बार में किसी भी टोकन को बाय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने एक आदमी जिन्होंने अभी यहाँ पे $1 million का बेबी डोज कॉइन बाय कर लिया, तो वो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं वो यहाँ पे वेल के एक तरीके वो वेल है जिन्होंने अभी बेबी डोज कॉइन को बाय किया है। ये कुछ वेल होते हैं सबसे ज़्यादा तो वॉच किए जाने वाले टोकन है वेल के द्वारा, उसमें से हम लोग को बेबी डोज कॉइन नंबर वन पाते हुए नजर आ रहा है। देख ही सकते हैं गाइस नंबर वन पे बेबी डोज है, सेकंड में रिच क्वैक, थर्ड में लवली यूनो फिर स्क्विड ग्रो और कैट कॉन, यानी लवली यूनो भी हमको यहाँ पर थर्ड नंबर में मिल गया है लेकिन नंबर वन पे यहाँ पे बेबी डोज कॉइन में ही मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं टॉप मीम प्रोजेक्ट फ्रॉम गैलेक्सी बाय गैलेक्सी स्कोर, यानी गैलेक्सी स्कोर की तरफ से जो टॉप मीम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बेबी डोज कॉइन नंबर 3 में मिल रहा है। फर्स्ट नंबर पर होटल है, फिर सेकंड पे यहाँ पे माइक्रो पैट्स है और थर्ड नंबर पर बेबी डोज कॉइन, ये उसकी कुछ है इसके हम लोग को चल रहा है गैलेक्सी स्कोर पर बहुत अच्छे। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं बायबिट की तरफ से तो अपडेट निकल कर हैप्पी इंटरनेशनल डॉग डे वर्ल्ड डॉग थीम क्रिप्टो करेंसी डू यू हैव, इनका कहना मतलब कि आप आज जिसको पता है इंटरनेशनल डॉग डे है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था हैप्पी इंटरनेशनल डॉग डे और साथ में 26 अगस्त का ट्वीट है, लेकिन उन्होंने
यहाँ पे एक और बात कही थी कि आप लोगों ने कौन से डॉग थीम का क्रिप्टो करेंसी को बाय किया, कि आप लोगों ने कौन से डॉग थीम, मतलब कि जो भी क्रिप्टो जिसकी डॉग थीम, हम लोग डॉज कॉइन, डोज कॉइन, सीबा इनू, फ्लोकी इनू, इस तरह कुछ टोकन से साथ में यहाँ पे केस हुआ था, तो ये सब जो कॉइन्स है ये सबसे कौन से कौन को आपने होल्ड किया हुआ डॉग थीम में, आप लोगों ने कोई डॉग थीम कौन होल्ड करके रखा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट बर्न टोकन ऑन क्रिप्टो लास्ट में 24 पिछले 24 घंटे के अंदर में सबसे ज़्यादा बर्न किए जाने वाले टोकन्स में से हम लोग को बेबी डॉज कॉइन एक नज़र आ रहा है। यहाँ पे नंबर वन पे वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है बेबी डॉज कॉइन सबसे ज़्यादा बर्न किए जाने वाले टोकन्स में। दोस्तों बहुत ही बताइए कितनी क्वान्टिटी में बेबी डॉज कॉइन बर्न हुई ये तो अभी तक नहीं बताया इन्होंने, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज पर सबसे ज़्यादा बर्न किए जाने वाले टोकन में भी यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन हम लोग को नज़र आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट विल ऑल्सो हैव टू हैव ह्यूज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, दीज आर द प्रोजेक्ट्स इन द बीएनबी चेन इकोसिस्टम विद द टॉप सोशल कंट्रीब्यूटर्स। यानी टॉप सोशल कंट्रीब्यूटर्स में जो बीएनबी चेन के इकोसिस्टम पर जो प्रोजेक्ट्स है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोशल कंट्रीब्यूटर्स वाले उसमें हम लोग को बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे नजर आ रहा है। देख सकते हैं नंबर वन सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन और एट्थ, यानी कि एट्थ नंबर पर बेबी डॉज कॉइन है। यहाँ पे हम लोग को नाइन्थ नंबर पर रिच क्वॉक, यानी कि रिच क्वॉक हमेशा यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन के साथ ही चल रहा है। और यार दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, ये जो हम लोग का बेबी डॉज कॉइन है इसने यहाँ पे डोज कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। डोज कॉइन जो कि बहुत अच्छा है, कि बहुत बड़ा डॉग थीम टोकन है, क्योंकि यहाँ पे जब बाइबिट वाले ने कमाए यहाँ पे फोटो की थी तो उसमें हम लोग को सबसे सेंटर में सबसे बड़ी इमेज में यहाँ पे डोज कॉइन का ही दिया था, और अब बेबी डॉज कॉइन ने यहाँ पे सोशल कंट्रीब्यूटर में डोज कॉइन को भी फेल कर दिया, कि डोज कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया। तो बहुत अच्छी बात है इसको लेकर के। तो ये कुछ अपडेट थी, उम्मीद है आप लोग को हर एक अपडेट समझ आ गई होगी, और साथ ही अगर वीडियो से लाइक तो सब्सक्राइब करिए ताकि वो लोग बेबी डॉज कॉइन की हर एक अपडेट जान सके, और चाहे प्लान चाहे सब्सक्राइब कर ले बैंक और प्रसाइड कर ले ताकि हर एक अपडेट जो आने से हम आते रहेगी वो सब आप लोगों को मिलती रहे। जहाँ तक बात है बाइनेंस लिस्टिंग की, तो मैं भी आप लोगों को यही बात बताऊंगा कि अगले साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी फरवरी और साथ ही में इस साल के एंडिंग तक हम लोग को बाइनेंस लिस्टिंग बहुत जल्द नजर आने वाली है, शायद में कुकन पे भी बहुत जल्द इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो मेरे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।